महानगर में जलभराव से निजात पाने के लिए नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी किया जा रहा है, लेकिन विगत दिनों हुए बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नगर निगम द्वारा जल निकासी के लिए पंपिंग सेटों की कमी को देखते हुए शहर में पंपिंग सेट नहीं मिलने पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अपने विवेकाधीन कोष से पंपिंग सेट दिल्ली, लखनऊ, कानपुर से संबंधित एजेंसियों से खरीदने का निर्देश दिया है, जिसमें से कुछ पंपिंग सेट नगर निगम को एजेंसी के माध्यम से डिलीवरी किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नहीं देखिए ऐसा कि चूंकि आपने देखा होगा कि जो 20 और 21 की नाइट में बहुत ही हैवी रेन हुई है और जो उसका जो मौसम विभाग के अनुसार जो है 115 mm बारिश हुई, जबकि हमारे आसपास के जितने ज़िले हैं किसी जगह पर 40 mm है, कहीं 45 है, कहीं 47 है। और आज अमर उजाला समाचार पत्र में भी निकला हुआ है बहुत डिटेल में इस बात को कि हमारे यहाँ इतनी हैवी रेन हुई है जिसको कि हम अतिवृष्टि की श्रेणी में रखेंगे, उसकी वजह से कुछ जगहों पर बारिश का जो पानी वो लग गया है और उसकी वजह से आम जनमानस को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन नगर निगम ऐसे समय में अपने सभी जो नागरिक हैं उनके साथ में खड़ा हुआ है और आज हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन में लगातार पूरे हमारे शहर में शहरी क्षेत्र में लगभग 125 हमारे बड़े वाले पंप काम कर रहे हैं, लगातार पानी को निकाल रहे हैं। कुछ जगहों पर ये देखने में आया कि जहाँ मैं गया था कि तालाब के एकदम सट के मकान बना लिए गए हैं, उसकी वजह से भी तालाब का एरिया कम हो गया है, पानी वहाँ पर जा नहीं पा रहा है। कुछ जगहों पर नालों के ऊपर जो लोगों ने अपने कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल होते हैं उसको पूरा डाल के 3-4 ट्रक डाला हुआ था, जो कि अभी अभी चीफ इंजीनियर साहब ने उसमें हैवी जुर्माना भी उसमें लगाया हुआ है। तो जब तक पब्लिक का भी सपोर्ट इस सब चीज़ों के प्रति नहीं रहेगा, जागरूकता नहीं रहेगी, तो हम पूरी तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात नहीं पा पाएंगे। इसके अलावा चूँकि हम लोगों ने जहाँ जहाँ महसूस हो रहा था लोगों की नागरिकों की दिक्कत, खबर आती रही, सूचना मिलती रही निरीक्षण के दौरान भी, तो कल ही हम लोगों ने तुरंत अपनी जो हमारी इमरजेंसी पावर कह लीजिए या आकस्मिक जो निधि थी उससे तो तत्काल हम लोगों ने दिल्ली से, कानपुर से और लखनऊ से हम लोगों ने पंप मंगवाए हैं। कुछ पंप हमारे पास आ चुके हैं जिसको कि आज हमने हरिद्वारपुरम में, चरगावा में और सभी जगहों पर इसको लगवाया है। इसके साथ और भी पंप हमारे पास आ रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उसको इससे वहाँ पे उसको हम लोग लगा कर पानी को ड्रेन आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब बहुत ही कम एरिया में वाटर लॉगिंग लगने पावे। लेकिन कुछ मैं नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, कुछ जगहों पर ख़ास तौर से जो हमारे लो लाइंग एरिया हैं या जो हमारे जो अभी विकसित हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर मैंने देखने में आया कि नाला था तो नाला पाट दिया गया, नालियाँ वहाँ पर हैं नहीं, तो निश्चित रूप से जो ऊपर से बारिश आ रही है उसके लिए निकासी के लिए हमें कोई ना कोई तो जगह देनी पड़ेगी। पानी है कहीं रुके, अगर नहीं जगह उसको मिलेगी तो वो पानी रुकेगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए सब लोगों को कि एक पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा है वो पूरा कारगर रहे। जहाँ पर भी हम आवास भी बना रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर हो। तो अगर हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस वाटर लॉकिंग की जो समस्या से निजात पा पाएंगे।